हम दोबारा आ गए क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में, तो आज एक नया बिजनेस का आइडिया देगा हमारा इधर जो मैडम बैठे हैं। तो मैडम शुरू में बोलिए आपका नाम और आपका कंपनी का नाम। मेरा नाम सुष्मिता शाह है और मैं सिलीगुड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज से बोल रही हूँ। अच्छा, तो आपका जो ये कंपनी है वो कितना दिन का है? ये जो हमारी कंपनी है जहाँ पे मशीन सेल होता है, ये हमारा कंपनी 8 साल से यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, और जो आपका ये कंपनी है इसका फुल एड्रेस थोड़ा आप बोल दीजिए। हमारा कंपनी का फुल एड्रेस है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी, हैदरपाड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स की ठीक ऑपोजिट में हमारे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज है। अच्छा, तो जो इधर जो वीडियो देख रहे हैं कस्टमर लोग, तो कैसे आएगा थोड़ा डिटेल्स में आप बोल दीजिए। ये जो मैं आपको आज जो मशीन के बारे में डिटेल्स दूंगी, अगर वो मशीन आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे कंपनी तक पहुंच सकते हैं। बस से भी आ सकते हैं या फिर ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर बस से आना चाहते हैं तो आप जो बस स्टॉप है जहाँ पे जंक्शन सिलीगुड़ी जंक्शन, वहाँ पे भी उतर सकते हैं, या फिर आप NGP न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पे भी आप उतर सकते हैं। वहाँ पे आप हमें फोन कर लीजिएगा, वीडियो स्क्रीन में हमारा नंबर है, वो कॉल करने से हम आपको लोकेशन शेयर कर देंगे। तो मैडम आज कौन सा मशीन के बारे में आप बोलेंगे हमारा व्यूअर्स को? आज जो मशीन के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये मशीन हर जगह पे चलता है, मंदिर से लेकर शादी वगैरह पे, या फिर कोई जहाँ पे पूजा वगैरह चल रहा है, जहाँ पे कोई भी इवेंट हो, या फिर होटल रेस्टोरेंट जहाँ पे खाने खाना जिसमें हम देते हैं परोसते, बेसिकली उस जगह पे ये चीज बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। ये है पेपर प्लेट, पेपर प्लेट या पेपर का थाली या फिर डोना जिसमें हम यूज करते हैं, ये बनाने वाला मशीन के बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगी। तो मैडम ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस का कैसा डिमांड कैसा है मार्केट में, और क्यों करेगा हमारा ये व्यूअर्स ये बिजनेस? अच्छा, ये जो बिजनेस है पेपर प्लेट का, ये कभी बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। जब से थर्मोकॉल बैंड हो चुका है तब से पेपर प्लेट या पेपर का थाली वगैरह जो भी है, ये सब बहुत अच्छी तरीके से मतलब यूज हो रहा है। मतलब किसी भी जगह पे आप शादी वगैरह में जाइए, खाना खाइए, फिर जाके फेंक दीजिए, जहाँ पे फेंकेंगे वहाँ पे गल भी जाता है, लेकिन थर्मोकॉल गलता नहीं है, जिसकी वजह से थर्मोकॉल बैंड हो चुका है, लेकिन ये पेपर वगैरह कभी बैंड नहीं होगा। या फिर पूजा वगैरह में भी ये चलता है। आप अगर नॉर्मल वाला जो आपके घर है, घर के सामने जो दुकान, छोटा मोटा जो दुकान है, उस दुकान में भी पेपर प्लेट बिकता है, या फिर होलसेल मार्केट में भी आप ये सेल कर सकते हैं। तो आप ये बिजनेस जो है, ये महिला भी यूज कर सकते हैं, पुरुष भी यूज कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं इसमें, और बच्चे लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। ये कोई हार्ड मशीन नहीं है जो आप इसको 1 महीना तक ट्रेनिंग देना पड़ेगा या फिर कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बहुत ईजी मशीन है, हर कोई इसको चला सकते हैं। इसीलिए मैं सबको बोल रही हूँ कि पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट कीजिए और आप 2,000 से लेकर 2 लाख तक कमा सकते हैं इसमें। अच्छा, तो मैडम ये बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआत में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है? देखिए, ये जो हमारा पेपर प्लेट का मशीन है, ओनली 12,000 से स्टार्टिंग है, मतलब 12,000 से लेकर 1.5 लाख तक हम लोगों के पास मशीन है। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप 12,000 लगा के भी बिजनेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप ऑटोमेटिक मशीन 40-50 हज़ार में हम लोगों के पास मिल रहा है, तो आप 40-50 हज़ार लगा के भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैडम बोले क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है ये बिजनेस चालू करने में? देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स तो ज़्यादा कुछ लगता नहीं है इसमें, क्योंकि ये पेपर प्लेट का मशीन है, आप इसमें घर में ही इसको चला सकते हैं। तो फिर भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो एक छोटा सा ट्रेड लाइसेंस बना लीजिए, उसमें आपका ये बिजनेस आराम से चलने लगेगा। अच्छा, तो मैडम जगह कितना जरूरत है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में? अच्छा, जगह ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं है, एक 10x10 का एक रूम ले लीजिएगा, उसमें आप पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल मशीन लगा के आराम से काम कर सकते हैं। अच्छा, और मशीन का जो प्राइस है शुरू कितना में है आपका इधर से? मशीन का प्राइस मैंने आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, फिर भी और एक बार बता देते तो दोस्तों, ये मशीन ओनली 12,000 से स्टार्टिंग है, 1.5 लाख तक है हम लोगों के पास, मतलब ऑटोमेटिक भी है, हाइड्रोलिक भी है, मैनुअल भी है, और ऑल इन वन मशीन तक भी हमारे पास है। अच्छा, तो मशीन का गारंटी वारंटी का बात है, तो कितना दिन का गारंटी कितना दिन का है और वारंटी कितना दिन का है? ये जो मशीन है, मशीन हमारे कंपनी से अगर आप परचेस करेंगे तो ये मशीन का गारंटी 1 साल का है और वारंटी 5 साल का है। मतलब अगर 1 साल में कुछ भी होता है मशीन में तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंपनी लेगा। अगर कोई पार्ट्स वगैरह भी खराब हो जाता है तो रिपेयरिंग करने के लिए इधर से टेक्नीशियन आपके घर तक जाएगा, वो पूरा रिपेयरिंग करके आएगा। इसके लिए आपको 1 साल के अंदर कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, और जो मतलब ये मशीन में जो मोटर यूज होता है वो कितना हॉर्स पावर का होता है?
ये मशीन में जो मोटर यूज किया जाता है, ये मोटर ओनली 1 HP का मोटर है, और अगर आप हाइड्रोलिक मशीन लेंगे तो उसमें 2 HP का मोटर रहता है। तो हम लोगों के पास मशीन में जो फिट होता है वही हम आपको देंगे, गलत चीज मशीन में कोई यूज नहीं होगा। अच्छा, और जो ये मशीन चलेगा तो घर का कारण से ही चलेगा या अलग से दूसरा कनेक्शन लेना पड़ेगा? ये मशीन जो आप लेंगे मैनुअल मशीन में तो उतना करंट का जरूरत है नहीं, बस बेसिकली आपको वो डाइस गर्म करने के लिए थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है। और अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लेंगे तो ऑटोमेटिक मशीन बिना करंट का चलेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक मशीन या फिर हाइड्रोलिक मशीन जो भी आप लीजिएगा उसमें आपको 220 वोल्टेज में मशीन चल जाएगा। अगर आप सारा दिन में 8 घंटा भी काम करते हैं तो 8 घंटे में आपका 3 से 3.5 यूनिट बिल उठेगा, लेकिन 8 घंटे में आपका माल भी बहुत ज़्यादा निकलेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिक मशीन है। और हाइड्रोलिक मशीन, ऑटोमेटिक और हाइड्रोलिक मशीन में आपका 1 घंटे में 1500 पीस निकलेगा, और अगर मैनुअल मशीन में काम करेंगे तो 1 घंटे में 500 पीस निकलता है। तो अगर बेसिकली आप 8 घंटा काम करेंगे तो बहुत सारा माल निकलेगा। अच्छा, तो जो ये मशीन है इसका बहुत सारा मटेरियल्स देख रहे हैं आप रखे हैं इधर, तो ये जो मटेरियल्स है कहाँ से मिलेगा ये मटेरियल्स? और ये जो आप मटेरियल्स देख रहे हैं प्रिंटेड, फिर आपका ये सिल्वर जो मशीन पेपर जो देख रहे हैं 180 GSM का पेपर है, फिर उसके बाद जो ये सिल्वर है 120 GSM का सिल्वर, फिर यह है आपका केला पत्ता, देखिए इधर केला पत्ता भी मिल जाएगा, फिर हम लोगों के पास है पनस पत्ता, मतलब कोई भी आप पेपर आपको चाहिए आप बस ऑर्डर करते चले जाइए, प्रोवाइड हम आपको करवा देंगे। जितना पेपर चाहिए आप फोन पे हम लोगों को बता दीजिएगा, हम आपको भिजवा देंगे, आप घर पे बैठ के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, मतलब इधर पेपर के लिए और मशीन के लिए आना नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर बहुत दूर है, अगर आप सोच रहे कि आप नहीं आ सकते, तो हम इधर से भिजवाने का तरीका हम लोगों के पास है। अच्छा, तो मैडम बोल रहे कि जो कस्टमर लोग है मशीन लेने के बाद कहाँ सेल कहाँ करेगा? देखिए ये मशीन अगर आप लेंगे, अगर आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब पेपर का प्लेट थाली बाटी जो भी आप बनाएंगे, इसको सेलिंग के लिए आपको मतलब भाग दौड़ करना नहीं पड़ेगा। आप मार्केट जो होलसेल मार्केट है वहाँ पे भी जाके सेल कर सकते हैं, या फिर आपके घर के सामने जो छोटा मोटा रिटेल ग्रोसरी दुकान है वहाँ पे भी जाके आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सेल के बारे में कोई आपका कंपनी का कोई हेल्प मिलेगा कस्टमर लोगों को? देखिए हाँ, सेलिंग कैसे करना है वो सब हम आपको बता देंगे पूरे डिटेल्स में, कैसे सेल करते हैं, कितना रुपए का बंडल करना है, बंडल में कितना पीसेस रहेगा, कैसे सेल करने से आपको पूरा प्रॉफिट होगा, वो सब हम आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन मार्केट में तो जाना आप ही को पड़ेगा ना, अगर कोई कंपनी आपको ऐसा बोलता है कि सेलिंग में भी मतलब सेल हम करवा देंगे तो वो आपको झूठ बोल रहा है, वो मशीन बेचने का एक फ्रॉड बिजनेस है। तो ऐसा नहीं करते हम लोग, आप मशीन इधर से मिल जाएगा, पेपर भी मिल जाएगा और टेक्नीशियन भी मिल जाएगा, बेचना कहाँ है वो मार्केटिंग लाइन आप ही को पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो मैडम बोल रहे ये मशीन में महीने में कितना कमा सकते हैं कस्टमर? देखिए अगर सारा दिन में, मैं आपको पूरा बता देती हूँ, अगर सारा दिन आप 8 घंटा भी काम करते हैं तो 8 घंटे में आप कम से कम 500 या 600 kg काम तो आराम से कम कर सकते हैं, मिनिमम, मैं मिनिमम बता रही हूँ। अगर 500-600 kg आप काम करते हैं तो पर डे आपका 4 से 5 हज़ार तक इनकम होगा। अगर वही अगर आप पूरा महीने का हम बात जोड़े, अगर महीने में भी ऐसे ही चलता रहा तो आप महीने में 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार तक भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि 1 kg में आपका प्रॉफिट आएगा 15 से 20 रुपये मिनिमम, और अगर ज्यादा पैसा देके आप सेल कर सकते हैं तो 30 से 40 रुपए तक भी प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, तो मैडम बोल रहे हैं कि ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए कौन सा चीज का ऊपर जोर देना पड़ेगा? अगर ये बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर बिजनेस को आप बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है पेपर। पेपर अगर आप खराब ले लेंगे तो उसमें अगर डिजाइन नहीं बैठेगा तो मार्केट में वो चलेगा नहीं। सबसे पहले आपको पेपर में ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, मार्केट में जो पेपर चलता है आपको वही पेपर लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अगर कॉम्पिटिशन करना है तो जो सब लोग बेच रहे उनसे ज्यादा अच्छा वाला माल आपको सेल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पेपर में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैडम आपका कंपनी में ये सब मशीन अवेलेबल रहता है ना हर टाइम? हाँ, ये जो मशीन मैनुअल, ऑटोमेटिक, हाइड्रोलिक, ये सभी तरह का मशीन हम लोगों के पास हर टाइम अवेलेबल रहता है। अगर कोई कस्टमर ऐसा सोच रहे कि वो इधर आएगा फिर मशीन नहीं मिलेगा, हम बुकिंग करवाएंगे, ऐसा नहीं है, आप जब चाहे तब खरीद सकते हैं। अच्छा, तो मैडम दिखा दीजिए आपका कंपनी में कौन सा मशीन अभी अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ हम लोगों के पास कौन सा मशीन अभी अवेलेबल है। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं गोडाउन में। जो मशीन मैंने आपको बोला है कि हम लोगों के पास हर टाइम अवेलेबल रहता है, ये है वो मैनुअल मशीन जिसमें आप हाथ से काम कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप मैनुअल मशीन देके भी स्टार्ट कर सकते हैं।
ये मशीन में आप थाली बाटी प्लेट हर चीज आप इसमें बना सकते हैं। सेकंड जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है ऑटोमेटिक मशीन। अगर आप चाहे कि आप मैनुअल हाथ से काम नहीं करना चाहते तो आप ऑटोमेटिक मशीन खरीद के भी इसमें आराम से ऑटोमेटिकली चला के आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये है वो ऑटोमेटिक डबल डाई मशीन जिसमें आप 1 घंटा में 3000 पीस एक साथ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब जैसे मैंने आपको मैनुअल मशीन और ऑटोमेटिक मशीन दिखा दिए तो ये है हाइड्रोलिक मशीन। अगर आप चाहे तो हाइड्रोलिक मशीन खरीद के भी इसमें भी आप काम कर सकते हैं, इसमें भी थाली बाटी प्लेट हर चीज बनेगा। तो ये है वो हाइड्रोलिक मशीन जिसमें आप 1500 से लेकर 1700 तक इसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें भी आप डायमंड रिंकेल प्लेन हर चीज हर बाटी प्लेट थाली सब कुछ बना सकते हैं। तो अगर आप चाहे कि आप हाइड्रोलिक मशीन खरीदना चाहते हैं तो ये मशीन भी हम लोगों के पास हर टाइम अवेलेबल रहता है। तो मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा एक बिजनेस का आइडिया हम लोगों का वो व्यूअर्स को देने के लिए। आपको भी बहुत सारा धन्यवाद इतना अच्छा वीडियो हमारे दर्शक दोस्तों के पास पहुंचाने के लिए। थैंक यू।